हाँ देखिए बेटा, इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और उसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो चार्ज कितना इंड्यूस होता है ये निकालना है आपको, इंड्यूस चार्ज। ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज कैसे निकालेंगे वो देखो आप। इंड्यूस चार्ज निकालना है आपको, डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया है पैरेलल प्लेट्स के बीच में, तो आपको ये पता है, देखो क्या पता है कि फील्ड कितना होगा, ये डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन से आपको क्लियर है, ठीक है ना, कि अगर आपने इस तरह की स्लैब रख दी और दोनों प्लेट्स पर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा अगर चार्ज है तो बीच में फील्ड कितना होगा, ये आपको डेफिनेशन से क्लियर है डाइलेक्ट्रिक की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन से, कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। अब डाइलेक्ट्रिक है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आई कैप हो जाएगा। तो इसका यूज करते हुए डाइलेक्ट्रिक की जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसी का यूज करते हुए डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, चार्ज इंड्यूस्ड। तो टोटल फील्ड पता है आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के है, तो ये किससे मिलकर बनी हुई है, इस तरह की चार्ज लेयर बन रही है बेटा, चार लेयर हैं। देखो आप कौन कौन सी, एक प्लस सिग्मा की आपने मान लिया, माइनस सिग्मा पी इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, आपने मान लिया माइनस सिग्मा पी इंड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पर कितना होगा, प्लस सिग्मा पी होगा, यहाँ पर माइनस सिग्मा पी है तो यहाँ पे प्लस सिग्मा पी, क्योंकि इसको तो नेट चार्ज दिया नहीं था, और इधर माइनस सिग्मा है, इस तरीके से, ठीक है। तो इन चार लेयर से मिलके बीच में जो फील्ड है वो कितना होना चाहिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होना चाहिए। अब ये चार्ज लेयर ही तो है, तो चार्ज लेयर के कारण तो आपको लिखना आता ही है बेटा, ठीक है ना, एक इधर है प्लस सिग्मा की लेयर, एक इधर है माइनस सिग्मा की लेयर अंदर की तरफ है, और यहाँ पर ये माइनस सिग्मा की लेयर है, ये प्लस सिग्मा की लेयर है, इन चारों लेयर से मिलकर पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर कर देंगे, तो एक अननोन बचेगा आपका सिग्मा पी, वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वही किया, देखो आपको किसी स्टेप पे डाउट तो नहीं है इन चारों में लिखने पर, जब क्योंकि आपका ये जो पी है प्लस सिग्मा के राइट साइड है, तो राइट साइड वाली में पॉजिटिव आई कैप लिखता ही हूँ, तो प्लस सिग्मा के कारण कितना आ गया, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ गया, और इस वाली लेयर के कारण कितना आ गया, माइनस सिग्मा पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। क्योंकि क्या करता हूँ मैं, तो इधर राइट साइड है तो हमेशा जो दिख रहा है सिग्मा, जो भी दिख रहा है सिग्मा अपॉन टू टू एप्सिलॉन नॉट, तो वही कर रहा हूँ मैं। ये आपका पी पॉइंट इस लेयर के लेफ्ट साइड है, ठीक है ना, इस लेयर के लेफ्ट साइड है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस जो भी दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है सिग्मा पी, तो माइनस सिग्मा पी अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस, क्योंकि चौथी लेयर के भी पी पॉइंट लेफ्ट साइड है, तो आप माइनस जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के छुप गया यहाँ पर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ये वाला बेटा आपका ये पॉइंट किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस लेयर के, तो लेफ्ट साइड को क्या लिखते हैं, माइनस जो भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिग्मा पी अपॉन टू एप्सिलॉन, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, बहुत करी अपने ऐसे ही करे हैं वो पैरेलल प्लेट्स वाले, ठीक है ना। ये भी आप इस लेयर के भी लेफ्ट साइड है तो पहले माइनस लगा दो, लेफ्ट साइड है तो माइनस लगा दिया, आप देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइनस सिग्मा लिखा हुआ है, तो माइनस सिग्मा ऊपर है, ठीक है, अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको, इसी तक क्लियर है बेटा, चारों स्टेप्स चारों लेयर्स के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है बेटा, जो लेयर का आपने मेथड डेवलप कर लिया है, काफी जगह हेल्पफुल होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। तो सिग्मा पी कितना आ गया आपका, सिग्मा वन माइनस वन अपॉन के आ गया, ये आपकी सिग्मा पी की वैल्यू आ गई, और अब क्या है आपका, हेंस इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी हो गई, माइनस लगा देते हैं ऐसा, क्योंकि आपने यहाँ पर पहले से माइनस लगा दिया इसलिए आपके अपने आप पॉजिटिव आ गया। तो अगर सिग्मा के पास में डाइलेक्ट्रिक की लेयर है तो आप जनरल फार्मूले के लिए क्या लिख देंगे, माइनस सिग्मा,
ठीक है ना, अपने आप यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो ये फार्मूला जनरली लिखा होता है, तो अगर आपको मैग्नीट्यूड वाइज याद रखना है मैग्नीट्यूड वाइज याद कर लीजिए, ये आपको समझ में आता ही है कि प्लस के पास माइनस की लेयर ही बनेगी। ठीक है, तो फार्मूला क्या आ गया, सिग्मा वन माइनस वन अपॉन के, या फिर इंड्यूस चार्ज क्या होता है, क्यू वन माइनस वन अपॉन के, वेयर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब आपको पता है अगर ये कंडक्टर होता तो बस प्लस क्यू के बगल में माइनस क्यू आना था, तो अपने आप के को अगर इन्फिनिटी डाल देते, ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप के को अगर इन्फिनिटी डाल देते तो फिर अपने आप माइनस क्यू निकल के आ जाता। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एससीवी की। आप पहले कैसे भी करते हो, बस एससीवी ने कैसे करा हो, बट एडवाइजेबल ये, अब जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें इसको। देखिए आप ये प्रॉब्लम, ठीक है ना, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एससीवी की। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसको चार्ज लिक्विड में है, यहाँ तक लिक्विड था, ये पानी में डूबो रखा है, यहाँ तक पानी की सरफेस थी, ठीक है ना, ये पूरा पानी था उसका, यहाँ तक आपने इसको डिप पूरा, फिर आपने जिसको जब चार्ज करा कैपेसिटर को चार्ज किया, तो ये पानी का लेवल ऊपर उठ गया, बीच में आपका पानी ऐसे ऊपर उठ गया। ये देख रहे हैं आप इस चीज को, पानी का ये मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक लिक्विड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के दे रखा है आपको। तो डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में आपने कैपेसिटर डिप किया और जब उसको चार्ज दिया आपने, तो ये कुछ पानी बीच में इस तरह से ऊपर उठ गया, ठीक है ना। तो आपको बताना है, फाइंड आउट राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच जो स्पेस है, इसमें लिक्विड लेवल कितना राइज करेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, इन पे मत जाइए, इंड्यूस चार्ज वार्ज पे अभी हम ऐसे नहीं बात कर रहे, अभी जस्ट ये बताया कि इसको प्लस क्यू और नीचे वाली को माइनस क्यू दिया है, कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं तो। ठीक है, तो फिर आप ये हाइट रेज्ड बाय दिस डाइलेक्ट्रिक लिक्विड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको तो वही पता है बेटा, लेयर्स बनानी आती है, इंड्यूस चार्ज का फार्मूला आपने पढ़ लिया है और एक लेयर के कारण फील्ड लिखना आता है, सीधा सा हिसाब है अपना। ठीक है ना, आपको क्या आता है, इंड्यूस चार्ज पता है आपको, यहाँ पर कितना इंड्यूस होने वाला है, ठीक है ना, यहाँ पर इंड्यूस कितना होने वाला है वो आपको पता है, सीडी पर अभी निकाला आपने, जैसे यहाँ पर क्यू देते हैं तो मैं सिग्मा बोल रहा हूँ, सिग्मा की टर्म में, तो यहाँ पर माइनस सिग्मा वन माइनस वन अपॉन के आया है, और ऐसा ही दूसरी लेयर जो डाइलेक्ट्रिक की होगी उस पर भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है बेटा, तो यहाँ पर चार्ज है तो उससे डाइलेक्ट्रिक के चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसने टोटल करके लिख दिया बट मैं ऐसे लिए नहीं लिख रहा हूँ, तो अपन अभी सॉल्व करते हैं, बट आपको क्वेश्चन क्लियर है क्या, क्या होगा। तो अब यहाँ पर जो चार्ज लेयर बनेगी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जिसकी वजह से वो कुछ ऊपर उठ जाएगी। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बट ये बात भी ध्यान रखेंगे अगर आपने अभी तक जो मैंने बताया वो सब ध्यान से समझाया है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चार्ज लेयर है, यहाँ पर चार्ज लेयर है माइनस क्यू की, और बीच में डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक पर भी दोनों सरफेसेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होगा अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए ये ऊपर उठ गया, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसका वेट बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है ना, इसका जो ए बी सी डी जो लिक्विड है इसका वेट बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ इसने दे रखा है, देखो मान लो एच हाइट चल गया, तो एच की वैल्यू आपको बतानी है। फाइंड आउट द राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो आपको यहाँ पर कितना राइज ये कर गया है, ठीक है, वो निकाल रहे हैं अपन। एक लेयर की मैं तीनों लेयर का पहले तो चार्ज लिख देता हूँ, इसमें देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना, जो लेयर्स पे चार्ज आया पहले तो मैं वो लिख रहा हूँ बिल्कुल, जिस तरह का चार्ज है। थोड़ा दिखता रहेगा आपको, देखो ऐसे कर रहे हैं अपन इसको, तो चार्ज लेयर पे चार्ज कैसे लिखेंगे आप, इस तरह से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये नोट्स वाले मेथड से थोड़ा सा मैं डिफरेंट और इजी कर रहा हूँ आपके लिए, कि आपको बिल्कुल ही क्लियर दिख जाए। नोट्स वाले में भी सही है, वैसा ही है, मतलब सेम, बस लिखने का तरीका मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करना चाह रहा हूँ, बस डायरेक्ट फोर्स की टर्म में लिख दें अपन, अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐसे ना कर। हाँ तरफ जी सही होगा बेटा आपका बिल्कुल। हाँ तो देखो आप इसमें, यहाँ पर आपने क्या दे दिया, यहाँ पर आपने प्लस सिग्मा दे दिया, ठीक है, और इस सरफेस पर कितना है, माइनस सिग्मा है, और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक पे आएगा माइनस सिग्मा आई आएगा इस तरीके से,
और यहाँ पर जो लेयर बनेगी डाइलेक्ट्रिक की दूसरी, उस पर प्लस सिग्मा आई इंड्यूस होगा, ठीक है ना। और सिग्मा आई की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे साइन वाइन से मतलब नहीं है अभी मुझे, साइन वाइन मुझे क्लियर है ऑलरेडी। तो वो वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन k, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखें ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पर फोर्स लिखना है नेट, आपको इस पर फोर्स लिखना है। तीन लेयर्स के कारण अलग अलग लिख लेता हूँ। वन लेयर हो गई, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, सेकेंड लेयर और तीसरी जो कंडक्टर की माइनस वाली जो लेयर है, तीन लेयर है ये, देख लो एक बार। ये तीन लेयर मिलकर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, क्यू इंटू ई से इस पर फोर्स को इतने के वेट के बराबर कर देंगे। तो वेट वेट बाद में रख देंगे, ठीक है ना। पहले मैं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहा हूँ। तो देखो पहला वाला इसको ऊपर खींचेगा, देख लें एक बार ध्यान से, पहला वाला इसको ऊपर खींचेगा, इसको मैं F1 लिख रहा हूँ ऊपर, जिस फोर्स से खींचेगा। दूसरी लेयर पर भी चार्ज क्या है, प्लस है। दूसरी लेयर का चार्ज क्या है, प्लस है ना। ये वाला डाइलेक्ट्रिक पे जो चार्ज आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक पे इधर माइनस आ गया, तो ये अपनी तरफ खींचेगा उसको, ठीक है। तो सेकंड लेयर से डाउनवर्ड फोर्स होगा, तो मैं इसको F2 बोल रहा हूँ, दिख रहा है सबको। प्लस माइनस में दिक्कत तो नहीं है फोर्स में किसी को। और ये जो माइनस लास्ट लेयर है, माइनस सिग्मा, ये इस माइनस को क्या करेगी, रिपल ही करेगी। तो F3 की डायरेक्शन भी कैसी आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहा हूँ मैं इसको, क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, एफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू F1 प्लस F3 माइनस F2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। F1 और F3 ऊपर है और नेगेटिव पर F2 नीचे की तरफ है, देख लो बेटा गलती तो नहीं करी अपन ने, प्लस है ये माइनस है, और इधर माइनस आएगा इधर प्लस लेयर होगी, तो ऊपर वाली इसको ऊपर खींचेगी, तो F1 हो गया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक पर पॉजिटिव लेयर बन रही है, प्लस सिग्मा आई की, इसको नीचे खींचेगी, तो F2 नीचे हो गया। जो कंडक्टर की माइनस वाली लेयर है, क्योंकि प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ऐसे बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज दिया आपने, ठीक है। तो ये जो माइनस वाली जो लेयर है, माइनस वाली क्या करेगी, इस प्लस को ऊपर रिपल करेगी, ठीक है। तो आपका F1 प्लस F3 ऊपर की तरफ है और F2 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। F1 और F3 ऊपर की तरफ है और F2 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स Fe किसके बराबर आ गया, F1 प्लस F3 माइनस F2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब आप एक एक लिख दो, F1 कितना होगा, F1 इसके कारण यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, इसके कारण यहाँ पर फील्ड यही होगी क्या, σ/2 ε0, ठीक है, इंटू σ i into a, क्योंकि चार्ज तो σ i into a है ना, ठीक है ना। सिग्मा मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ मैं इसमें बिल्कुल, अब इसमें कोई नेगेटिव वेगेटिव पुट नहीं करेंगे, वो मैंने फोर्स की डायरेक्शन में इंक्लूड कर लिया, कन्फ्यूजन ही खत्म। F3 क्या होगा आपका, F3 जो है, F3 किसके कारण है, F3 थर्ड लेयर के कारण है, थर्ड क्या है, माइनस सिग्मा, तो इसके कारण फील्ड कितना होगा, इसके कारण होगा σ/2 ε0, और उस पर चार्ज कितना है, σ i into a। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और जो आपका F2 की लेयर है, F2 कौन सा है आपका, सेकंड लेयर के कारण, ये σ i की जो लेयर है, ये माइनस को नीचे की तरफ खींचेगी ना, तो इसका F2 का कितना हो जाएगा, σ i/2 ε0 into σ i into a, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप नेट फोर्स लिख दीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ गया, इनमें से σ i ये तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, इन सबको, और आपका F1 प्लस F3 तो ऐड हो रहा है, तो ये ऐड होके चलो एक बार लिख देते हैं, σ/2 ε0 σ/2 ε0, ये माइनस है F2, तो ये आ जाएगा आपका -σ i/2 ε0, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, σ i a/2 ε0, ये बन गया σ i a/2 ε0, ये 2 σ बन जाएगा क्या, 2 σ, ठीक है, 2 σ, और ये बन गया -σ i, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो और लिख लो इसको, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, नेट फोर्स क्योंकि F1 प्लस F3 माइनस F2 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फोर्स, होना भी चाहिए था तभी बैलेंस करेगा वेट को। तो σ i a/2 ε0
टू सिग्मा, सिग्मा ई की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के, सिग्मा सिग्मा ई कितना है, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका सिग्मा आई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा प्लस सिग्मा बाई के, सिग्मा प्लस सिग्मा बाई के लिख सकते हो आप, ठीक है। और बस इतना, अभी सिग्मा आई की वैल्यू डाल देना एंड में, तो आप क्या करेंगे, एफ ई को वेट के बराबर कर देंगे। वेट कितना हो गया, जो ऊपर चढ़ा है इसका वेट कितना हो गया, जो लिक्विड है शेडेड पोर्शन में दिखा है, मान लो एच हाइट चढ़ा है, ठीक है, एच हाइट चढ़ा है, तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेट का ए है, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू एच हो गया। तो दिस एफ ई फॉर बैलेंसिंग लिख रहा हूँ, देखो दिख रहा है सबको ये, फॉर बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग मैं क्या लिख रहा हूँ, कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है इस पूरे ऊपर चढ़े हुए पार्ट पे, इस शेडेड पोर्शन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, कहाँ लगेगा इस पर चार्ज, पूरे शेडेड पोर्शन पे चार्ज ऊपर वाली लेयर पे ही है ना, उसको तो मैंने सिस्टम में नहीं लिया नीचे लिया, मैंने केवल सिस्टम में शेडेड पोर्शन को लिया है। तो इस पर एक तो एक्सटर्नल फोर्स वेट है, और इसकी इस लेयर पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। तो अब इसको मैं वेट से बैलेंस कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो वेट कितना हो जाएगा इसका, वेट लिखना आता है सबको, एम इंटू जी, तो कितना हो गया, हाँ आपका नेट इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड आ रहा है, देखो ना आपने इसको पॉजिटिव माना है ना, F1 प्लस F3 को, तो पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है, इसका मतलब F+3 इससे ज्यादा है F2 से, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो एफ ई इक्वल टू रो ए एच इंटू जी, तो आप रख दीजिए आप वैल्यू, रो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला है अभी, तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे सिग्मा आई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 प्लस 1 अपॉन के इक्वल टू रो इंटू ए एच इंटू जी, ठीक है। तो अब बस सिग्मा आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपको सीधा सा एच की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, सिग्मा आई की वैल्यू रिप्लेस कर दें, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन के, तो आपको जो हाइट रेस का एक्सप्रेशन दिखेगा वो क्या दिखेगा, सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर -1 अपॉन के स्क्वायर और 2 एप्सिलॉन नॉट रो इंटू जी मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब सिग्मा की जगह क्यू बाई ए डाल दीजिए, क्योंकि जो पैरामीटर्स गिवेन है, एसटीवी का सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके उसमें भी नोट्स में भी क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, जो क्यू गिवेन है आपको, क्यू चार्ज दिया है कैपेसिटर को, तो क्यू बाई ए हो जाएगी सिग्मा की वैल्यू, और बाकी सारे इस तरह से आ जाएंगे, 2 ए स्क्वायर के स्क्वायर रो एप्सिलॉन नॉट इंटू जी, ये आपका हाइट रेस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए स्क्वायर -1 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर के स्क्वायर रो एप्सिलॉन नॉट इंटू जी, तो ये हाइट रेज्ड बाय द लिक्विड आ गया, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है इस पूरे प्रोसेस में, इस तरीके से हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया है, इस लेयर पर, इस चार्ज लेयर पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स को इसके वेट से बैलेंस करके,